चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र चुनाव पर दिल्ली में हुई महायुति की बैठक, आपको ये बताया अमित शाह के घर पर बैठक हुई है, सीटों पर सहमति बनी है। यहाँ पर बीजेपी 151 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर है। शिवसेना यानी शिंदे गुट 84 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी अजित गुट की बात करें, एनसीपी अजित गुट के कोटे में 53 सीट आ सकती है। जल्दी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान किया जाएगा। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में महायुति के नेताओं यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों यानी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह बैठक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए हुई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि चुनाव में अगर विपक्षी एमवीए जीत गया तो महाराष्ट्र हार जाएगा, क्योंकि एमवीए केंद्र सरकार की मदद नहीं लेगा और वो राज्य को बर्बाद कर देगा। उधर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजे हैं और दूसरी तरफ ये जो कल बैठक हुई है बहुत अहम ये बैठक रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है महाराष्ट्र के अंदर वो यहाँ पर तय किया गया और जल्द ही हो सकता है कि इसकी ऑफिशियली जानकारी भी सामने आ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिलहाल इंतजार है।